वसुंधरा राजे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। विद्याधर नगर में हुआ हादसा, बियानी कॉलेज के सामने हादसा हुआ है। हालांकि मैडम को नहीं आई कोई चोट। दूसरी कार में भी सवार थी एक महिला ड्राइवर। सूचना पर मौके पर पहुंची विद्याधर नगर थाना पुलिस। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। विद्याधर नगर में हुआ है यह हादसा, बियानी कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। हालांकि मैडम को नहीं आई कोई चोट। गनीमत यह रही कि मैडम को कोई चोट नहीं आई है। तो वहीं दूसरी कार में भी सवार थी एक महिला ड्राइवर। सूचना पर मौके पर पहुंची विद्याधर नगर थाना पुलिस। हालांकि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि हादसा किस वजह से हुआ, क्या वजह इस हादसे के पीछे। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। विद्याधर नगर में हुआ है यह हादसा, बियानी कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। हालांकि मैडम को कोई चोट नहीं आई है। गनीमत की बात यही है कि मैडम को कोई चोट नहीं आई है। तो वहीं दूसरी कार में भी सवार थी एक महिला ड्राइवर। उसकी स्थिति जानकर भी आपको बताएंगे कि आखिर उस महिला ड्राइवर की स्थिति इस वक्त क्या है और साथ में ये हादसा क्यों हुआ, क्या वजह इस हादसे के पीछे। तमाम सवाल है जिनका जवाब जानना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरीके से एक्सीडेंट होना अपने आप में बेहद गंभीर मसला। सूचना पर मौके पर पहुंची है विद्याधर नगर थाना पुलिस। वसुंधरा राजे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। विद्याधर नगर में हुआ है यह हादसा, बियानी कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। हालांकि मैडम को नहीं आई है कोई चोट। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। सत्यनारायण, क्या जानकारी लग पाई, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए बताऊंगा आपको कि मैडम आज जो कार थी उनकी जो पार्किंग था उस कार के अंदर फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और बियानी कट के सामने से एक रोड जारी है अंदर एलएस नगर की तरफ। तो उस तरह से एक युवती कार चलाती हुई आई। हालांकि गलती युवती की थी, उसने कार का जो ब्रेक नहीं दबाया। ऐसे में जो साइड का हिस्सा है मैडम की गाड़ी का वो थोड़ा डैमेज हुआ है। लेकिन रात की बात है कि वसुंधरा जी कोई चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर तुरंत दबाव से जो थाना अधिकारी है मुखेर पहुंचे, लेकिन मैडम ने मना कर दिया किसी भी कार्रवाई के लिए और खुद युवती से मिली। उस दबाव में कहा कि आप ढंग से गाड़ी चलाइए, समझ गाड़ी चलाइए। दोनों में कुछ देर बात भी हुई, आराम से बात हुई। उसके बाद में सभी अपने रास्ते चले गए। फिलहाल पुलिस ने थोड़ी देर जो कार चालक युवती थी उसको रुकवाया, लेकिन बाद में उसको वहां से रवाना कर दिया। फिलहाल इतने कंट्रोल में हो, मैंने अपने जो गंतव्य स्थल है वहां से रवाना हो चुकी है। बिल्कुल सत्यनारायण, महिला ड्राइवर की क्या स्थिति है इस वक्त, वो ठीक है? बिल्कुल, जो महिला चालक थी हालांकि वो घबरा गई थी और जब मैडम के जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी गाड़ी से उतर गए थे, ऐसे में वो महिला काफी घबरा गई थी। ऐसे में पुलिस अधिकारी मुखर पहुंचे हैं, थाना अधिकारी मुखर पहुंचे हैं और उसके बाद में महिला को समझाया गया है, उसका लाइसेंस चेक किया गया है। लेकिन जो खुद मसूदा जो है उन्होंने मना कर दिया किसी भी कार्रवाई के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में उसको फिर वहां से छोड़ दिया गया, उनको रवाना कर दिया गया। फिलहाल मौके पर बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है और खुद मसूदा राजे ने आगे बढ़कर जो महिला चालक है उनसे बात भी करी है, उनसे कहा कि आप थोड़ा गाड़ी समय पर चलाइएगा, आगे भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में महिला जो चालक थी उन्होंने माफी भी मांगी है वसुंधरा राजे से, उसके बाद भी सब अपने रास्ते जा चुके हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, एक बार आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं उस हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जरा देखिए कि अगर आप गाड़ी का गेट देखेंगे तो उस पर आपको डेंट निश्चित तौर पर नजर आएगा। और साथ ही ये महिला भी शायद है जो दूसरी गाड़ी में सवार थी, जो गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सत्यनारायण, जानकारी आपसे इसको लेकर भी। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आपको जो महिला चालक थी उसने मैडम की गाड़ी को डैमेज किया है, साइड का जो हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वसुंधरा राजे सब कुशल है, उनकी कहीं भी कोई चोट नहीं लगी। हालांकि घटना के बाद में खुद वसुंधरा राजे अपनी गाड़ी से उतर कर जो महिला चालक है उसके पास पहुंची है, उनसे बात भी करी है, उनसे ये जाना है कि आपने तो कहीं चोट नहीं लगी ना। इसके बाद में जो पुलिस पहुंची तो पुलिस को साफ इनकार कर दिया किसी भी कार्रवाई के लिए कि मुझे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। और महिला चालक से हाथ से बात करी और आगे से गाड़ी ढंग से चलाने के लिए हिदायत भी दी और साथ साथ उसका नाम भी जाना। फिलहाल पुलिस ने जो महिला चालक थी उसको भी फ्री कर दिया है। वो दोनों जो महिला चालक है उनके भी कोई चोट नहीं लगी और जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो भी सब कुछ है, उनके भी कहीं भी कोई चोट नहीं लगी। ऐसे में पुलिस ने किसी कार्रवाई से इनकार किया है। सत्यनारायण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे महिला चालक के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है क्या, क्या उसके पास लाइसेंस था ड्राइविंग? बिल्कुल, महिला चालक वहीं की निवासी है, विद्यानगर सेक्टर 3 में वो रहती है और वो अपने जो बेटा है ट्यूशन पढ़ने जा रहा था उसको लेने के लिए वो निकली थी। हालांकि रास्ते में ये सड़क दुर्घटना हो गई, महिला चालक के पास लाइसेंस भी था। फिलहाल क्योंकि वो जिस जगह ये जो सड़क दुर्घटना हुई वो कुमाऊं वाला एरिया है, वहाँ कुमाऊं है। ऐसे में महिला चालक अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख सकी और एकदम से उन्होंने वसुंधरा की गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि उसके बाद उन्होंने घटना के बाद में काफी सॉरी फील की और वसुंधरा से क्षमा भी
मांगी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी गाड़ी के उतरकर उसका नाम पूछा और हंसते उससे बात भी करी। उससे ये भी पूछा कि आगे कहीं चोट तो नहीं लगी। उसके बाद में उन्होंने महिला चालक को ये भी कहा कि आगे से गाड़ी ध्यान रखिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, ये भी हिदायत दी। फिलहाल पुलिस ने किसी भी कार्रवाई से इंकार कर दिया और ये भी बात है कि किसी भी महिला चालक को भी चोट नहीं है, वसुंधरा राजे को भी कोई चोट नहीं आई है। सत्यनारायण देखिए, एक और तो गनीमत रही कि वसुंधरा राजे और दूसरी महिला दोनों को ही कोई चोट नहीं आई, पर वहीं दूसरी ओर हम देखें तो जब किसी बड़े व्यक्ति की या कहें किसी दिग्गज की गाड़ी से जब एक्सीडेंट होता है तो जब गलती चाहे किसी की भी हर कोई ऐसा लगता है कि मान लो कि कोई जो दिग्गज है वो ही भड़केगा, पर उस दूसरी ओर उनका डाउन टू अर्थ नेचर यहाँ पर देखने को मिला। खुद गाड़ी से उतरती है, उनसे बातचीत करती है, महिला के बारे में भी जानकारी लेती है कि वो तो ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए वसुंधरा सिंधिया का यही होता है कि जो जमीनी टिकट पर जो नेता होता है, जमीन छुटा हुआ नेता होता है, वो इसी प्रकार के होते हैं। खुद गाड़ी से उतरी है और खुद महिला के पास चलती गई है, हालांकि महिला भी गाड़ी से उतर गई थी और हाथ जोड़ के क्षमा मांगा, लेकिन वसुंधरा ने उसके पास में जाके उससे हाल चाल पूछा कि आपसे तो कहीं चोट नहीं लगी ना, तो उन्होंने साफ इंकार किया कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मैं मेरी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाई, सीधा घुमाव था। ऐसे में वसुंधरा राजे ने आगे से गाड़ी सही और धीरे चलाने की बात भी कही है और साथ उसका नाम भी जाना है। फिलहाल जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो साथ इंकार कर दिया वसुंधरा राजे ने कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है, महिला की गलती इतनी सी थी कि वो अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाई और वो भी केवल टीका घुमाव था। फिलहाल दोनों ही गाड़ियों को वहां से डिलीट कर दिया गया है। फिलहाल सत्यनारायण आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, आपसे पूरी प्रतिक्रिया आपकी ओर से जानना चाहेंगे, क्योंकि एक और तो गनीमत ये रही कि मैडम को कोई चोट नहीं आई, तो वहीं दूसरी ओर महिला को भी कोई चोट नहीं आई है। जी देखिए, ये ईश्वर की मेहरबानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी धार्मिक महिला है और ये भगवान की मेहरबानी है कि इस दुर्घटना के अंदर किसी का नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने एक बड़कपन ये दिखाया माननीय वसुंधरा जी ने कि मैं कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, गलतियां हैं, गलतियां हो जाती है, तो ये एक बड़कपन भी है और ईश्वर को धन्यवाद है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल रामलाल जी, और जिस तरीके से वो मैडम खुद अपनी गाड़ी से उतरती है, महिला के बारे में जानकारी लेती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़प्पन है, एक संवेदनशीलता है और एक व्यक्ति के गुणों को भी, जो अपनी उसको पीड़ा को भूलकर और दूसरे को ये पूछना उतर के कि आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई, लगी तो नहीं कहीं, और यही एक मानवता भी है और ये एक इंसानियत है जो माननीय वसुंधरा जी ने दिखाई है। रामलाल जी, आपकी ओर से कोई मैसेज जो आप मैडम तक पहुंचाना चाहते हो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? ईश्वर जी का लख लख धन्यवाद और मैडम की धार्मिक आस्था की वजह से एक ये छोटा सा हादसा ही जो था वो टल गया और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, लंबी जीवन जिए और इस तरीके के हादसे उनके जीवन में कभी नहीं घटे। और रामलाल जी, कोई मैसेज आपकी ओर से सभी वाहन चालकों के लिए? देखिए, जीवन बहुत अनमोल है और व्यक्ति एक होता है लेकिन उससे जुड़ा हुआ पूरा परिवार होता है, अनेकों लोगों की जिंदगियां उसके आजीविका के ऊपर निर्भर रहती है, इसलिए सावधानी से चलना भी चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि सड़क के ऊपर अन्य लोग जो चल रहे हैं उनको भी देख के और अपनी लापरवाही पूर्वक जो गाड़ियां चलाते हैं उनको थोड़ा सा धैर्य के साथ और सावधानी के साथ वाहन चलाना चाहिए। चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।